भिवंडी की सड़कें हर दिन एक नया मौत का पैगाम भेज रही हैं। कहीं न कहीं एक हादसा हो रहा है जिसको लेकर के वाहन चालकों में जो है व्याप्त है उसको हम दर्शाना चाह रहे हैं कि रिक्शा चालकों ने एक अपना प्रतिनिधिमंडल ले आकर के महापौर मनोज काटेकर जी से मिला। उन्होंने कहा कि साहब हमारी इस समस्या का निवारण कीजिए। निवारण किस प्रकार कि आने वाले समय में रिक्शा चालकों की वो हालत है कि हर दिन रिक्शा गैरेज में या रिक्शे का डैमेज या रिक्शा लेकर के पलटी होना जो यात्रियों को तकलीफ हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो परेशान है। आज उपमहापौर मनोज काटेकर जी के पास आकर के उन्होंने जो निवेदन दिया है निवेदन में उन्होंने क्या लिखा है वो हम बताना चाह रहे हैं। वैसे भी जो हादसा है वो हर दिन कोई ना कोई हादसा सुनने को मिल रहा है जिसको लेकर के आज मनोज काटेकर जी की क्या राय है क्योंकि इन्होंने महानगर पालिका में अपना जो पदभार संभाला है उसी दिन से इनका ध्यान खास करके सड़कों पर और सफाई पर और खास करके शौचालय और विद्यालय पर इन्होंने जो अपना ध्यान केंद्रित किया है उसकी आशा को लेकर के आज रिक्शा चालकों ने आकर मनोज काटेकर जी से मिलकर के अपना निवेदन दिया है। बात करते हैं मनोज काटेकर जी से। सर जानकारी देने का रिक्शा वालों ने आकर के आपको निवेदन दिया है, निवेदन में उन्होंने क्या मांगी की है और शहर में जो दिक्कतें हैं शहर आपसे दूर नहीं है, शहर की सड़कों पर आप चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में और कितनी तकलीफें हैं लोग? आज दामन करना तो दामन पे भी जो एक रिक्शा चलती है रिपब्लिकन वाहन सेना इनके तरफ से आज सभी रिक्शा चालकों ने हमें निवेदन दिया है कि दामनगढ़ नाके से कामनगर काड़ाली का जो रास्ता है सड़क है उसको बनाया जाए। बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, इसके लिए उनको निवेदन आया है। इस खड्डों का रास्ते का हम लोग एक 10 दिन के अंदर ही एक रोड के जो खड्डे हैं भरने की प्रयास कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो प्रभाव समिति में जो 25-25 लाख रुपये का निधि उपलब्ध किया है उसमें ये रोड का और देर शहर के सभी 5 प्रभाग समिति में लोग निधि उपलब्ध करके दिया है। शायद आज उनका टेंडर का लास्ट दिन है और हमने प्रशासन को ये भी कह दिया है कि जिस दिन टेंडर आएगा उसी दिन आप लोग उनको टेंडर का ऑर्डर दे के काम शुरू कीजिए क्योंकि हालत भिवंडी शहर के सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। भिवंडी शहर का हर एक इंसान तकलीफ में सड़क से तकलीफ है। ये जो कामनगढ़ काड़ाजी का रास्ता है ये रास्ता हम फिलहाल हम लोग गणपति के तौर के ऊपर उसकी छोटी पैमाने में मरम्मत करेंगे कि आपको तो इसका तकलीफ नहीं हो जाएगा। फ्यूचर में आगे भविष्य में ये दिवाली तक ये रास्ते का कॉम्पिटिकल होने वाला है कामनगढ़ नाके से लेके उंगली रेलवे फाटक तक और कामनगढ़ नाड़ाजी के इलाके की बहुत सी सड़कें कॉम्पिट होने जा रही हैं। तो आप लोग एक 15 दिन का सफर करो उसके बाद में और थोड़ा सा तकलीफ हो सफर करो उसके बाद में आपका कायम का जो रास्ते का सड़क का प्रॉब्लम है वो हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से भिवंडी शहर लोगों ने हमारे को उम्मीद लगाई आस लगाई उस आस को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो एक खबर आ रही है कि प्रशासनिक अधिकारी न होने के कारण निर्णय लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं तो कितना चल के आगे निर्णय लेने की मेन प्रॉब्लम तो पुलिस से चल रहा है जहाँ अपने कमिश्नर जी हैं वो ट्रेनिंग के लिए दिए गए हैं। ट्रेनिंग से 15 अगस्त तक आने वाले हैं, 14 अगस्त तक आने वाले हैं कि उसके पहले हम लोग इनको प्रशासन से इकट्ठे होने के काम चालू करेंगे। पहले उनके काम की ऑर्डर बाद में हो लेकिन हम लोग ये रोड की सड़क का मरम्मत करने का काम चालू करेंगे। चुनौतियाँ आपके सामने तो बहुत सारी क्योंकि आने वाला गणेश उत्सव है इसके बाद कई त्यौहार हैं जो आपको एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, ऐसे में किस तरह से किस इमरजेंसी ट्रेन का काम करेंगे? चुनौती तो बहुत पहले से थी और भी हम लोग चुनौती सुन लिए हम के ऊपर ले लिए कांग्रेस शिवसेना ने भिवंडी शहर में मेयर पर डिप्टी मेयर बना के चुनौती ले ली है। इस चुनौती में भिवंडी शहर के विकास के लिए हम लोग सभी पार्टी की जो विभिन्न पार्टी में बैठे हैं हमारे दो आमदार हैं यहाँ पे एक खासदार है हमारे यहाँ के सभी पार्टी के नगर सेवक है हमारे शहर के नगर सेवक जी अशोक भले जी है हमारे साथ में और अपने कामत इलाके में जो भी सब नगर सेवक हैं उनको सबको साथ में लेके हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे और अपने एरिया का विकास करने के लिए अपने एरिया में जितने नगर सेवक थे सबसे सही लेंगे कि रोड रास्ता बड़ा होने के लिए हाथगाड़ी नहीं होने के कारण सबको भिवंडी शहरवासियों की जो तकलीफ हो रही उसको एक एक प्रॉब्लम से लेके हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनौतियाँ तो हैं पर चुनौतियाँ हमें स्वीकार करनी है और हर चुनौती से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। वैसे भी महानगर पालिका की चौखट पर इन्हें लगभग 5वीं बार ये चुनके गए हैं और 5वीं बार चुन के जाने के बाद जो अनुभव है उस अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और चुनौतियाँ जो है उसे जो उन्होंने स्वीकार किया उसे पूरा करने का वादा भी इन्होंने किया। खैर इच्छा वालों की मांगों को
लेकर के उन्होंने गंभीरता से इस बात को कहा है कि हम 15 दिन के अंदर पूरी सड़कों की दुरुस्ती तो कर देंगे, पर सड़कें जो यहाँ कंक्रीटीकरण हो रही हैं उसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जताई कि आगे आने वाले समय में कितने जल्दी से जल्दी ये सड़कें कंक्रीटीकरण हो जाएंगी, ये हम ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं कैमरामैन के पांडे के साथ सुरेंद्र तिवारी, भिवंडी।